आइए वेलकम करते हैं सोनिया हुसैन। मुबारक आपको। आप बताएं भाई क्या तैयारी है? बकरे वकरे सारी जिम्मेदारी है तो भाई घर की जिम्मेदारी भी सारी उठा रही होती है। जी नहीं, लेकिन शुक्र बकरे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। बाकी सुपुर्द है। हाँ जी, बब्बू के तो वो बस वहीं से वो खरीदते हैं, बाहर बाहर से खरीदते हैं और वहीं पे स्लॉटर हाउस में करके और बस बटवा देते हैं। जैसे हमारे घर पे आने का इतना वो नहीं है। अच्छा, ट्रेंड नहीं है। तो तुम्हारे बचपन में तुम्हें शौक था क्या फलाने रंग के सींग वाले बकरे चाहिए? कुछ पूछे मत। एक दफा मुझे बचपन में बहुत शौक था बकरों को टहलाने का। बकरों को टहलाने का बहुत शौक था। तो एक हमारा बकरा था तो मैंने कहा कुछ और मैं चलो टहला देते, इतना खाना खाए बेचारा ये, मतलब कि ये ना होना कि इसका पेट खराब हो जाए। तो मैं उसको लेके गई और थोड़ी देर बाद वो इतना जानदार था तो थोड़ी देर बाद ना वो आगे आगे भाग रहा और मैं पूरी जमीन पे और मेरे घुटने पे। और वहाँ पर हमारे एक वो कोई घर के करीब रहते थे रूमी भाई, मैं रूमी भाई पकड़े और बकरा आगे जा रहा और मैं पूरी जमीन में घसीटती हुई जा रही। अल्लाह। उसके बाद मैंने कभी किसी बकरे को हाथ नहीं लगाया। छोटी थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई मोहल्ले की गायें भागी हो और सब आगे भाग रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, बस भगदड़ मच गई है? ऐसे भी तो किस्से होते थे ना कभी कभार मोहल्ले भागती हैं। हाँ, गाय भाग गई तो मजा आता है। इतने वक्त तक ये थे। और कभी तुमने खुद जाके कुर्बानी होते हुए देखा? भाई हमने तो बचपन में बड़ा जाके इस तरह देखा। नहीं, कुर्बानी होते हुए देखा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो होता है मतलब जानवर का कटते हुए देख के। लेकिन ये कि एक दफा मैंने देखा था ऊँट की कुर्बानी, मैंने सुना था कि बड़े एहतमाम से होती है, उसको घुमाया जाता है वो इस तरह से, तो वो देखी थी। हाँ, ये लड़कों का बहुत शौक होता है।